Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel, Anushka Classes. The topic of today's discussion is weighted moving averages. Students, मैंने इससे पहले अपने previous lectures में आपके साथ simple moving average discuss किया था, जिसके मैंने आपके साथ चार methods discuss किए थे. One was 3-yearly moving average, other one was 5-yearly moving average, then 7-yearly moving average, and even numbers में मैंने आपके साथ 4-yearly moving average discuss किया था. आज के हम इस लेक्चर में वेटेड मूविंग एवरेज डिस्कस करेंगे. एज द नेम सजेस्ट, वेटेड मूविंग एवरेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम वेट्स असाइन करेंगे एंड देन जो करने की कैलकुलेशन होगी वो वैसे ही होगी जैसे कि हम सिंपल मूविंग एवरेज में करते थे. मतलब हमने क्या करना है, अगर हमें 3-yearly वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है तो वही करना है हमने जैसे पहले किया था. तीन तीन की ग्रुपिंग करनी है. 5-yearly वेटेड मूविंग एवरेज में 5-5 की ग्रुपिंग करनी है. 7-yearly वेटेड मूविंग एवरेज में 7-7 की ग्रुपिंग करनी है. तो जो कैलकुलेशंस होंगी वो वैसे ही होंगी जैसे कि हम सिंपल वेट मूविंग एवरेज के अंदर करते थे. बट यहाँ पर सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पर हम अगर वाई सीरीज दे रखी है तो फॉर्मूला हो जाएगा वाई बार इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू इंटू वाई डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू. और अगर एक्स बार दे रख सीरी एक्स की सीरीज दे रखी है तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू रेफर्स टू वेट एंड वाई और एक्स रिप्रेजेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग मूविंग एवरेजेस. अब ये जो चीज़ है ये हम एक प्रॉब्लम लेकर ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ पाएगा कि वेटेड मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस होता है. देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है. गिवन द नंबर्स 2, 6, 1, 5, 3, 7, 2, राइट डाउन द वेटेड मूविंग एवरेज ऑफ पीरियड 3, द वेट्स बीइंग 1, 4, 1. देखिए, अब हमें वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है ऑफ पीरियड 3. तो अगर आप याद करें हम 3-yearly मूविंग एवरेज में क्या करते थे, तीन तीन की ग्रुपिंग करते थे और फॉर्मूला यूज़ करते थे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3. फिर हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करते थे b प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3. और हम क्या करते थे, 3-yearly मूविंग एवरेज निकालना होता था तो शुरू का एक छोड़ते थे, मतलब 3 की जो मिड वैल्यू है उसके सामने हम ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते थे. यहाँ पर भी हमने यही करना है स्टूडेंट्स कि देखिए, सबसे पहले जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, लेट्स सपोज वो आपकी x सीरीज़ है तो आपने x के अंदर x लिखा और ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं 2, 6, 1, 5, 3, 7, 2 वो एज इट इज़ लिख ली. फिर आपका सेकंड कॉलम बनाइए वेटेड मूविंग 3-yearly टोटल्स, जिसका फॉर्मूला है समेशन w इंटू एक्स. तो आप क्या करेंगे, देखिए तीन तीन की ग्रुपिंग करनी है तो फर्स्ट 3 की मिड वैल्यू कौन सी है, 6. इसके सामने शुरू का आप एक छोड़ देंगे और क्योंकि 3 तीन दिन की ग्रुपिंग करनी है तो 3 की मिड वैल्यू हुई 2, मतलब 1, 2 एंड 3. तो शुरू के 3 की मिड वैल्यू हुई सेकंड नंबर, इसके सामने आप तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे लेकिन वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 विल गिव यू 27. फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ये तीन तीन की ग्रुपिंग करनी है तो पहले a प्लस बी प्लस सी हो गया, फिर b प्लस सी प्लस डी. तो आपने क्या करना है, देखिए अब पहले एक छोड़ दिया, सेकंड आपने इसके सामने ये कर दिया, अब आपने नेक्स्ट नंबर पे 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 15. ऐसे ही फिर नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, अब आप यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 24. फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 24. फिर नेक्स्ट टाइम आप 3 ये वाले नंबर से ग्रुपिंग करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 33. और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया जितना आप ऊपर छोड़ेंगे नीचे भी ऑटोमेटिक उतना ही आपका छुटेगा. और वो कैसे होगा, क्योंकि आपने देखिए जब तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे, जब आपने यहाँ तीन तीन की ग्रुपिंग करी 3, 7, 2 यूज़ हो गए तो नेक्स्ट टाइम आप अगर 7 से ग्रुपिंग करते तो इसका कोई नंबर नहीं बचा था. तो ऑटोमेटिकली जितना आप ऊपर छोड़ेंगे नीचे भी उतना ही आपका बचेगा. फिर नेक्स्ट कॉलम बनाइए 3-yearly वेटेड मूविंग एवरेज. अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला होता है समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू, मतलब जो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आपने निकाली है उसको डिवाइडेड बाई वेट्स के साथ आपने डिवाइड करना है. तो वेट आपका टोटल कितना हो गया, 1 प्लस 4, 5, 5 प्लस 1 इज 6. तो 27 डिवाइडेड बाई 6 इज 4.5, 15 डिवाइडेड बाई 6 इज 2.5, 24 डिवाइडेड बाई 6 इज 4, 25 डिवाइडेड बाई 6 इज 4, 33 डिवाइडेड बाई 6 इज 5.5.
इस तरीके से आपका वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट होगा। ये क्वेश्चन मैंने थ्री ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज पर कराया है। अगर आपको एग्जाम में फाइव ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज आता है और मान लीजिए सेम डेटा आपको दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, फाइव ईयरली में आपने फाइव की मिड वैल्यू कौन सी हो गई, ये वाली, मतलब अगर शुरू के पांच नंबर्स आप लेते हो 2, 6, 1, 5, 3 तो मिड वैल्यू 1 हो गई। इसके सामने आप ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इस तरीके से करेंगे, शुरू के दो छोड़ेंगे और नेक्स्ट थर्ड नंबर से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जितने ऊपर दो छूटेंगे नीचे भी ऑटोमेटिक उतने ही दो छूटेंगे, और यहाँ पर आपने वही काम करना है, समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू, डब्ल्यू जो वेट्स है उसका टोटल करके न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, और आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी फाइनल वैल्यूज होंगी। तो कहने का मतलब ये है, जिस किसी का भी आपको वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है, आपका जो कैलकुलेशन पार्ट होगी वो वैसी ही होगी जैसे आप सिंपल मूविंग एवरेज में करते थे, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ आप वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में डिनोमिनेटर में वेट से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर वेट्स को का टोटल करके आप उसकी वैल्यूज लिखेंगे, और फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो वैल्यूज आएंगी वो आप यहाँ पर फाइनल लिखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वेटेड मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।